हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू लाइफ साइंस। ठीक है, जितने भी आप एग्ज़ाम्स देख लो, DBT देख लो, ICMR, CSIR, NET, GATE, सबके अंदर एग्जाम्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिस शोज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस इन गेट लाइफ साइंस, CSIR, NET, ओके, जितने भी हमारे नेट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं। DBT के अंदर भी एंजाइम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। DBT का एग्ज़ाम बहुत ही पास आने आ लिया है, अप्रोक्स 1 मंथ ही बचा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करने हैं, जिसकी वजह से हम जो हमारा एग्ज़ाम है वो ईजिली क्लियर कर पाए। ओके, तो इस लेसन के अंदर हम एंजाइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई एम ऑल्सो एन एजुकेटर ऑन अकेडमी। इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो मी देन आई पुट माई लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ईजिली फॉलो मी ऑन अन अकेडमी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एंजाइम्स। वॉट डू मीन बाई एंजाइम्स? एंजाइम्स आर द बाय कैटलिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेल्फ। ठीक है, बिना खुद को चेंज के जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट वी डिस्कस द मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ओके, दिस लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन सारे एंजाइम्स होते हैं? नो, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, नॉट ऑल एंजाइम्स। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। ओके, एक इसमें एक्सेप्शन भी होता है, कैटालिटिक RNA मोलिक्यूल। कैटालिटिक RNA मोलिक्यूल हमारा राइबोजाइम होता है। जो राइबोजाइम होता है वो क्या करता है? कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है बाय क्लीवेज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड बाय सिंथेसिस द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। अब बात करते हैं हम एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक टू दियर सबस्टेट। ठीक है, ये क्या हमारे सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं सबस्टेट से, क्योंकि जो हमारे एंजाइम सबस्टेट की बाइंडिंग होती है वो जैसे कि लॉक एंड मेथड था, लॉक एंड की वाला ताले, एक ताले की एक ही चाबी होती है, ऐसे जो हमारा एंजाइम्स है वो भी अपने ही सबस्टेट के साथ ज़्यादा बाइंड करते हैं। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक होते हैं वो अपने सबस्टेट के लिए। थर्ड है हमारा कि ये एग्जिबिट करते हैं एनॉर्मस कैटालिटिक पावर को दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लो करके ये क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं। एंड नेवर इन्फ्लुएंस द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की पोजिशन को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम आर क्लासिफाइड इन टू क्लासेस। फर्स्ट है हमारा सिंपल एंड देन सेकेंड है हमारा कॉन्जुगेटेड। ठीक है, सिंपल एंजाइम्स की बात करें तो सिंपल एमिनो एसिड्स। कॉन्जुगेटेड के अंदर क्या आएगा? कंटेन द नॉन प्रोटीन ग्रुप, यानी कि एंजाइम के साथ साथ क्या करे वो नॉन प्रोटीन ग्रुप को भी अपने पास रखता है, अपने साथ कॉन्जुगेट कर लेता है। उस नॉन प्रोटीन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब कोफैक्टर्स के अंदर भी टाइप होते हैं कि या तो वो मेटल आयन होगा, ठीक है, या क्या होगा वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम। कोएंजाइम जो होते हैं वो मेनली कहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे? विटामिन्स जो है ना उनके अंदर, उनके प्रीकर्सर्स के फॉर्म में कोएंजाइम्स मिलते हैं। विटामिन B, विटामिन B2, विटामिन B6, इनके अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि विटामिन B1 है, उसके अंदर जो कोएंजाइम प्रेजेंट होता है वह थायमिन पाइरोफॉस्फेट। ठीक है, जो हमारा थायमिन पाइरोफॉस्फेट होता है वो क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन कर देता है। ठीक है, कोएंजाइम इन विटामिन B1। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं होलो एंजाइम के बारे में। होलो एंजाइम क्या होते हैं? होलो एंजाइम्स आर दोज टाइप ऑफ एंजाइम्स विच कंटेन एंजाइम प्लस कोफैक्टर्स, यानी कि एंजाइम के साथ जब हम कोफैक्टर इन्वॉल्व कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड होलो एंजाइम। दिस आर द एक्टिव फॉर्म। एंड अगर हम वहाँ से कोफैक्टर को हटा दें, सिर्फ ये हमारा जो प्रोटीन पार्ट है उसको रहने दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोएंजाइम। दिस आर बायोलॉजिकली इनएक्टिव। अब बात करते हैं जो हमारे कोफैक्टर्स होते हैं वो टाइटली एसोसिएटेड होते हैं हमारे प्रोटीन के साथ, या तो वो कोवेलेंटली बाउंड होंगे या नॉन कोवेलेंटली बाउंड होंगे। ठीक है, अब अगर जो हमारे कोफैक्टर्स है वो टाइटली बाउंड हो हमारे एंजाइम प्रोटीन के साथ तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स आर दोज टाइप ऑफ
cofactors which are associated with the protein covalently and non-covalently. Okay, next हम बात करते हैं कि cofactors which are involved in the enzymes. तो these type of cofactors are play an important role in the enzymes and from this part most of the questions are asked in the exams. ठीक है, life science के exams के अंदर काफ़ी ज़्यादा questions पूछे जाएंगे आपके cofactors से related. आपने देखा भी होगा exam के अंदर कि questions आ जाते हैं कि which metal ion is present in the cytochrome oxidase, which cofactor are present in the hexokinase and pyruvate kinase के अंदर कौन सा cofactor present होता है. इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की. ये हमारे कोफैक्टर्स, ये हमारे एंजाइम्स. ठीक है, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालेज, परोक्सीडेज, जैनथिन ऑक्सीडेज के अंदर जो हमारा कोफैक्टर मिलता है वो कौन सा है? एफ ई टू प्लस एंड एफ ई थ्री प्लस. देन सेकेंड हमारा कोपर टू प्लस, उसके कौन से एंजाइम के अंदर मिलेगा ये कोफैक्टर? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर. कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कोडिहाइड्रोडेज, इनके अंदर कौन सा कोफैक्टर मिलेगा हमारा? जिंक टू प्लस. देन हम बात करेंगे हेक्सोकाइनेज, इनोलेज, ग्लूकोज, चीज फॉस्फेट के, तो इसके अंदर जो हमारा कोफैक्टर मिलता है वो क्या है? मैग्नीशियम प्लस टू. इंपॉर्टेंट है, हेक्सोकाइनेज के बारे में आपसे पूछा भी जाता है कि विच टाइप ऑफ मेटल आयन या विच टाइप ऑफ कोफैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन हेक्सोकाइनेज रिएक्शंस. एंड इन द पाइरूवेट काइनेज द मेटल आयन इन्वॉल्व इज के पॉजिटिव. एंड यूरियस के अंदर हमारा कौन सा मेटल आयन इन्वॉल्व होता है? निकिल टू प्लस. डी नाइट्रोजिनेस के अंदर हमारा जो कोफैक्टर इन्वॉल्व होता है वो क्या है? मोबेडियम. डी नाइट्रोजिनेस आपने. नेक्स्ट है हमारा सेलेनियम. ग्लूटोथायोनिन परोक्सीडेज, ग्लूटोथायोनिन परोक्सीडेज के अंदर हमारा जो कोफैक्टर मिलेगा वो कौन सा कोफैक्टर है? सेलेनियम. ओके, अब हम बात करते हैं कि हाउ दी ट्रांजिशन एनर्जी आर डिक्रीज एंड रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज. ठीक है, हमने जैसे कि पढ़ा कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है और हमारी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है. तो दिस ग्राफ शोज दी हाई एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, तो ये हमारी एनर्जी है, यहाँ पर हमारा रिएक्शन को डार्क लाइन है वो शो कर रही है हमारे विद एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स के साथ हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं. जो हमारी डॉटेड लाइन है वो क्या शो कर रही है? हमारे विदाउट एंजाइम वाले रिएक्शंस को. ठीक है, तो इसमें आपने देखा भी होगा कि जो हमारी विदाउट एंजाइम वाले जो रिएक्शंस है उसके अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू विद एंजाइम्स एंड हैविंग द हाई एक्टिवेशन एनर्जी. हाई एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से जो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो कम मिल रहा है. फिर बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम द प्रोडक्ट इज मोर देन विदाउट एंजाइम. ओके, तो दिस ग्राफ शोज दैट द एंजाइम्स आर डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी बाय इंक्रीज देयर रेट ऑफ रिएक्शंस. ओके, तो दिस लेसन इज कंप्लीटेड हेयर एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द क्लासिफिकेशंस ऑफ एंजाइम्स एंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक्स रिलेटेड टू एंजाइम्स. एंड इफ यू लाइक द कोर्स, अगर आपको एक कोर्स पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर कोर्स पसंद आएगा. ओके, थैंक यू टू